Hello children, welcome to Asa Education. Aaj hum kar rahe hain chapter An Indian American Woman in Space. Kalpana Chawla, Honeysuckle book grade 6 CBSE se. Kalpana Chawla, inka naam aapne bhi kai baar suna hoga. Ye pehli Indian American woman thi jo ki US Space Shuttle Columbia ke jo international group tha uska ek hissa thi. Ye pehli aisi India mein paida hone wali mahila thi jo space mein gayi. पर दुखद हादसा हो गया कि जो सेकेंड मिशन था कोलंबिया वाला ये एक तरह से दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गया या कन्वर्ट हो गया। कल्पना चावला खुद कहती थी कि एक कर्नल की लड़की होने के नाते उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो इस तरह से स्पेस में कभी ट्रैवल कर पाएंगी। उनके पेरेंट्स जो है इतना ही काफी था कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अटेंड करने दिया उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद टैगोर स्कूल से। जब उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल कर ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, जबकि उनके फादर उस बात के काफी खिलाफ थे, फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई मास्टर्स डिग्री के लिए। वहां पर उन्होंने जो है अपनी पीएचडी पूरी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अब कल्पना चावला पहली ऐसी इंडियन अमेरिकन महिला थी, एस्ट्रोनॉट थी, जिन्होंने जो केप कैनेवरल फ्लोरिडा था वहां के लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी, यानी जो रॉकेट होता है वहां से उड़ान भरता है, वहां से उड़ान भरी थी और सक्सेसफुल जो मिशन था उसमें हिस्सा लिया था स्पेस के। उनकी फैमिली जो इंडिया में थी उसने जो है एक तरह से कहना चाहिए उनकी फैमिली जो इंडिया की थी और जो स्टाफ था उसके साथ मिलके काफी चीयर किया उनको कैनेडी स्पेस सेंटर में, ताकि जब वो जो है कोलंबिया का लिफ्ट ऑफ हो रहा था, यानी जब वो के कोलंबिया वाला जो शटल था वो उड़ान भर रहा था, तो हम लोग होता है ना कि जब देखते हैं तो एक तरह से हम लोगों को एक और ज्यादा होता है कि देखो कितने अच्छे से जा रहा है, तो हम काफी उत्साहित हो जाते हैं और सामने वाले को भी काफी ज्यादा चीयर करना शुरू कर देते हैं। वही काम जो है उनके फैमिली मेंबर्स और जो स्टाफ हैं वो कैनेडी स्पेस सेंटर में कर रहे थे जब वो ये देख रहे थे कि कोलंबिया जो यूएस स्पेस शटल है वो उड़ान भर रहा है। कल्पना चावला की थोड़ी सी जीवनी देख लेते हैं। ये जो है करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी, पर इनको जो सिटीजनशिप थी वो यूएस की मिल चुकी थी क्योंकि इनकी शादी जो है एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से हुई थी, जीन पेरे हैरिसन से। अब ये एस्ट्रोनॉट तो थी ही थी, साथ ही साथ इनके पास लाइसेंस था कि ये सिंगल और मल्टीपल लैंड एयरप्लेन्स को उड़ा सकती थी, सिंगल इंजन सी प्लेन्स को और ग्लाइडर्स को भी उड़ा सकती थी। ये एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी, यानी इनके पास सर्टिफिकेट था कि ये फ्लाइट के लिए इंस्ट्रक्टर का काम कर सकती हैं। पायलट की तरह क्वालिफाई करने के बाद कल्पना ने जो है अब एक और चैलेंज के बारे में सोचना किया शुरू कर दिया। उन्होंने नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसके लिए अप्लाई किया। पहले तो उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे हायर किया गया नासा में, फिर 1994 में वो जो है सेलेक्ट करी गई नासा के द्वारा कि उनको एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी जाए। जब उनसे पूछा गया कि आप एक लड़की हैं अपनी फील्ड में तो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी कि मैं कुछ और करूंगी, कि मैं एक लड़की हूं और एक छोटे शहर से आई हूं, एक बिल्कुल अलग कंट्री से हूं। मेरे कुछ सपने थे और जैसे औरों के होते हैं, और मैंने उन्हीं सपनों को पूरा करने की कोशिश करी। जो लोग मेरे आसपास थे वो हमेशा मेरे को उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे, ताकि मैं जो हूँ अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकूं। कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में वो 15 दिन का था, 16 घंटे का और 34 मिनट का। इस टाइम पे उन्होंने धरती के लगभग 252 बार जो हैं चक्कर लगाए और 10.45 मिलियन किलोमीटर जो हैं उन्होंने एक तरह से कवर किए। अब इनका ये जो ग्रुप था इसमें जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। अब यहाँ पर जब ये लोग ऊपर स्पेस शटल में थे तो कई अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जैसे कि ये जो पॉलिनेशन वाले प्लांट्स होते हैं इनको देखना कि किस तरह से जो खाना है या फूड है उसकी ग्रोथ हो सकती है स्पेस में, जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं उनको कैसे बनाया जा सकता है उसके टेस्ट करना, साथ ही साथ तेज से काम करने वाली कंप्यूटर चिप्स को बनाना, और इन सब की जो काम करने में, इन सब के जो एक्सपेरिमेंट्स करने में टोटल कीमत आई वो लगभग 56 मिलियन डॉलर्स की आई। सैटरडे की रात थी,
जब ये खबर आई कि जो कोलंबिया का जो क्या कहते हैं शटल है वो हादसे का शिकार हो गया है, सब लोग जो हैं एकदम से सकते में आ गए, सन्नाटे में आ गए, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात जो है हजारों घरों में किसी ने रात नहीं बिताई, करनाल के वो सारे घर जो हैं बस टीवी के साथ चिपक कर बैठे थे और इस उम्मीद से थे कि किसी तरीके से कल्पना या उनका जो क्रू है वो बच जाए। एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि वो एक हीरोइन थी, बहुत काबिलियत चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने की, उसको बनने के लिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, बायोलॉजी आनी चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स आनी चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए। ये जो आज का दौर है जिसमें हर चीज बहुत तकनीक से चलती है, तुम्हारे को एक तरह से हर चीज की नॉलेज जो है बिल्कुल जो एनसाइक्लोपीडिया होती है ना जिसमें सब कुछ डिटेल में होता है, सब चीजें दी हुई हैं, बिल्कुल उस तरह से जानकारी होनी चाहिए अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो। और उनका ये जो अचीवमेंट था, ये जो सफलता थी, ये एक तरह से सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत का काम करती है। बहुत सारे यंग इंडियंस ऐसे थे जो स्टोरी है कल्पना चावला की कि एक ऐसी लड़की जो छोटे शहर से थी और उसने आसमान छू लिया, वो उस तरह से उनके लिए एक प्रेरणा का काम कर रही थी। यानी कि कल्पना चावला को देखकर एक मिसाल बन गई थी और बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो सोचते थे कि वो भी जो है कुछ अलग ही करके दिखाएं। जब वो स्पेस शटल कोलंबिया में थी तब उन्होंने वहां से अपने जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज में चंडीगढ़ के, वहां के लिए एक मैसेज भेजा कि तुम्हारे जो सपने हैं उनको पूरा करने का रास्ता हमेशा होता है, बस तुम्हें तरीका पता होना चाहिए और तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए उसको पूरा करने की। तुम सबको एक अच्छा सफर मुबारक हो, यानी कि तुम अपनी जो सपनों की इस जर्नी को पूरा करने अगर निकलते हो तो तुम्हारे को बहुत बहुत उसके लिए एक तरह से विशेष दे रही थी, ऑल द बेस्ट कह रही थी। और हो सकता है इसको पढ़ने के बाद, इसको करने के बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के मिशन पे निकल भी लिए हो। तो ये थी हमारी स्टोरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।